शेरघाटी के नई बाजार शुमाली मोहल्ला मोड़ के समीप फैम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड लेप्रोस्कोपी सेंटर की शुरुआत हुई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फीता काटकर इस अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रिटायर्ड प्रोफेसर और गया के मशहूर सर्जन डॉक्टर ए बरकात मौजूद रहे। प्रोग्राम के आगाज में फैम्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के संचालक डॉक्टर एमएच खान ने श्री मांझी को बुके देकर स्वागत किया तथा नौशाद खान ने डॉक्टर ए बरकात को बुके भेंट किया। समारोह को संबोधित करते हुए मिनहाज खान मसरूर आलम टुट्टू खान ने कहा कि इस तरह के हॉस्पिटल की शेरघाटी में बहुत जरूरत थी, जहां लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हड्डी रोग, शिशु प्रसूति रोग तथा अन्य बीमारियों का इलाज एक जगह पर बेहतर देखभाल में हो पाएगा। सभा को संबोधित करते हुए अस्पताल के संचालक डॉक्टर रमेश खान ने कहा कि शेरघाटी में विशेषज्ञों की टीम के साथ इलाज को लेकर वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो अब तक यहां नहीं थी, खासकर लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, गायनी सर्जरी वगैरह। उन्होंने यह भी कहा कि इस अस्पताल में गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान भी रखा जाएगा और मरीजों को हर संभव सहयोग किया जाएगा। उद्घाटनकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री एवं इमामगंज विधायक श्री जीतन राम मांझी ने कहा कि ऐसे अस्पताल को सहयोग दिया जाना चाहिए जहां के कमजोर तबके के लिए मदद का जज्बा हो। इसके खुलने से दूसरे अस्पतालों में भी कंपटीशन की भावना आएगी, जिससे इस शहर के लोगों को फायदा ही होगा। समारोह के मंच का संचालन इमरान अली कर रहे थे तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर जावेद खान ने किया। मौके पर डॉक्टर महेश चौधरी, डॉक्टर शबाना बरकात, डॉक्टर एस रजाउल्ला, हारिश कमाल, वारिस अली खान, मुंशी नईमुद्दीन, मौलाना उजैफा अल मजहरी, मोहम्मद अरमान, अजीत सिंह, मोहम्मद नसीम, ओम प्रकाश सिंह, पूर्व मुखिया खुर्शीद अहमद, आकिब खान आदि सैकड़ों लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, शेरघाटी आजकल। जारी है, और किस तरह की चीजें शेरघाटी को मिल पाएंगी? नहीं, अच्छा, काफी अच्छा रहेगा, प्रोवाइडेड के लोग भी कोऑपरेट करें और डॉक्टर भी ज्यादा लालच में नहीं रहें। लोगों का कोऑपरेशन भी जरूरी है और अच्छी चीज़ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल के बावजूद भी इसकी ज़रूरत थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, जानते हैं। उसके प्रभारी जो है डॉक्टर राजेंद्र, वो मेरे स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाया है, तो अच्छा है। आप लोग सब मिलकर कोऑपरेट कीजिए। कुछ अलग मिल पाएगा यहाँ सर? बहुत कुछ मिलेगा और बढ़ेगा। अभी जो देख रहे हो उतना ही नहीं रहेगा और बढ़ेगा इंशाल्लाह। घाटी में वो तमाम चीज़ दे दिया, इससे पहले यहाँ नहीं था। यूरोलॉजी हो गया, लेप्रोस्कोपिक सेंटर हो गया, ऑर्थोपेडिक पूरा विल असिट विल ये हो गया, और गायनी सर्जरी तमाम चीज़ें की सहूलियात यहाँ होंगी और मिनिमम कॉस्ट पर एक पैकेज रहेगा, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। फिर इसको हम लोग अभी मांझी जी भी कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जुड़ाया जाएगा, और पहले से भी हम लोग ये काम कर रहे हैं कि लोगों को अरेंज करके जहाँ स्वास्थ्य बीमा का इलाज होता है वहाँ भेजते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उसका जो जांच वगैरह का पैसा नहीं लेते हैं, उसको अटैच किया है। यहाँ भी हमको फैसिलिटी देना था, लेकिन मांझी जी ने वादा किया है हम लोग को सपोर्ट करने के लिए कि हम इसको जुड़वाने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे गरीबों के लिए, जिनको पैसा नहीं, कुछ पैसा नहीं, कार्ड बस रहेगा उससे इलाज हो जाएगा। उसके अलावा भी इस तरह के भी लोग जो एबल नहीं रहेंगे, मेडिकल कॉलेज में कोई ऐसी दिक्कतें ये सब आएंगी, उसको भी हम लोग सपोर्ट करके गरीब जिन बने तो जो ताल्लुक होगा तो उसकी वजह से किसी टाइप के लोग की मदद हम लोग हर तरह से करेंगे। आपने हमको उद्घाटन के लिए चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सही कहते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से विनती करना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल को कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, और सहयोग दीजिएगा तो निश्चित रूप में अगर यहाँ अच्छा काम होते रहेगा तो मंडल अस्पताल में यहाँ है वहाँ भी अच्छा काम हो जाएगा, और नहीं तो कंपटीशन नहीं होता है तो दिक्कत होती है।